नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज में पूजा। प्रख्यात कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की श्रीमद् भागवत कथा का रीवा में 3 मार्च से शुभारंभ किया जाएगा। इस कथा का आयोजन आगामी 9 मार्च तक चलेगा। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर विश्व शांति सेवा समिति रीवा एवं विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों ने एक बैठक आयोजित कर पत्रकारों को ये जानकारी दी। ट्रस्ट के सचिव विजय शर्मा ने बताया कि देवकी नंदन ठाकुर की कथा रीवा शहर के रतहरा में JNCT कॉलेज परिसर में आयोजित की जाएगी। कथा के पहले 3 दिन मार्च को सुबह 9 बजे से शहर में कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। कथा सुनने वालों में करीब 25,000 से अधिक संख्या में लोग शामिल होंगे। इतनी संख्या में लोगों के बैठने का इंतजाम भी किया गया है। आइए सुनाते हैं पदाधिकारियों ने क्या कहा है। से लेकर 9 तारीख तक और 3 तारीख को सुबह में कलश यात्रा की जाएगी और कलश यात्रा के साथ सौभाग्यवती माता बहन इसका कलश उठाकर कथास्थल तक पहुँचेंगे और हर दिन कथा का समय दोपहर 2 बजे से रहेगा। इसमें के अलग अलग लोगों को बैठने की व्यवस्था भी और बुज़ुर्गों को वहाँ पर कुर्सी चेयर की व्यवस्था भी वहाँ पर की जाएगी, सूप इत्यादि की और भी व्यवस्थाएँ, पार्किंग की सारी व्यवस्था वहाँ पर हैं, जिससे कि किसी भी व्यक्ति को अपने वाहन से आए, कैसे भी आए, उसको व्यवस्था प्रॉपर तरीके से मिल सके। LED स्क्रीन के साथ वाटरप्रूफ पंडाल पूरा लगाया जाएगा। लगभग 25,000 से 30,000 भक्तों के लिए कैपेसिटी का ये पंडाल बनाया जा रहा है। लोग बाहर से आएंगे महाराज जी को सुनने के लिए, इनके रुकने और ये कोरोना का ही हमको अभी भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो जो रजिस्ट्रेशन के साथ में आएंगे उनके रुकने की व्यवस्था हमारी जानकारी में जो देकर आएंगे उनकी रुकने की व्यवस्था की जाएगी। और जो हमारी जानकारी में ऐसे भी कई लोग हैं जो अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ रुकेंगे कथा के लिए और पहले भी उन्होंने प्रोग्राम बनाया था, जब प्रोग्राम आगे बढ़ाया गया तब उन लोगों के भी फ़ोन आए थे। तो सारी व्यवस्थाएँ भक्त प्रेमियों की रुकने की व्यवस्था भी होगी और अपनी अपनी व्यवस्था भी बनाकर लोग पहुँचते हैं और आएंगे। आप कब कौन कौन आएंगे? हमारे साथ लगभग 40 लोगों की टीम आएगी पूरी वृंदावन से और जिसमें म्यूजिशियन से लेकर पंडितों से लेकर और भी व्यवस्था जो उस कथा पंडाल को जो सुंदर स्वरूप कथा का देते हैं उन सबको देखते हुए 40 लोगों की टीम हो रहेगी। पंडाल टीम अलग से हम आगरा से करा रहे हैं और भी यहाँ के जो पंडाल की व्यवस्था, मेन जो पंडाल की व्यवस्था देखेंगे वो रीवा से ही होंगे, लेकिन जो डोम की व्यवस्था है वो हम आगरा से कराएं। किन के द्वारा कराया जा रहा कथा और आपका नाम क्या है? मैं विजय शर्मा, विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का सेक्रेटरी हूँ, सचिव हूँ और विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा विश्व शांति सेवा समिति शाखा रीवा के द्वारा ये आयोजन होगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट प्रतिष्ठान खुल गया। जी हाँ, आपके शहर रीवा में मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट GS 108 आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा में खुल गया। हम सिर्फ घर नहीं बनाते, हम बनाते हैं आपके सपनों का घर। कंप्लीट फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, फॉल सीलिंग, वॉलपेपर, 3D डिजाइन की सेवाएं उपलब्ध। एक बार सेवा का अवसर जरूर प्रदान करें। मारुति इंटीरियर एंड कंसल्टेंट आशीर्वाद प्लाजा ढेकहा रीवा।